मैंने कई मंकी मैन देखे हैं, लेकिन सिर्फ वही काम करता रह पाता है जिसके पास ये नेचुरल टैलेंट हो। मैं जैकी वाधवानी हूँ, मेरा असली नाम हितेश वाधवानी है। तो नाम हितेश छे। मैं मंकी मैन का किरदार निभाता हूँ जो पार्टी, जन्मदिन और विवाह समारोह जैसे कार्यक्रमों में हर उम्र के लोगों को एंटरटेन करता है। मैं अपने माता पिता और बहन के साथ रहता हूँ। चार जना छे फैमिली में। पापा मजदूरी काम करे। मेरे पिता मजदूरी करते हैं। पिछले 10 साल से मैं इस पेशे में हूँ और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। यहाँ सब लोग मुझे मंकी मैन के तौर पर जानते हैं। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की है। परिवार के आर्थिक हालात सही नहीं होने के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। पहले मैंने दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम किया और बाद में फल का ठेला चलाने लगा, लेकिन हर रोज 300 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता था। एक ऐसा दिन भी आया कि मैं 200 रुपए भी नहीं कमा सका और मेरे एक दोस्त रवि पोपट ने तब मुझे मंकी बनने की सलाह दी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास लोगों को हंसाने की कला है, तुम्हारे इस काम के लिए जिस भी सामान की आवश्यकता होगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो फिर हम बाजार गए और वहां मंकी मैन बनने के लिए आवश्यक सभी सामान लेकर आए। 5 दिन बाद भावनगर में रथ यात्रा थी, मैं वहां पहुंचा और मैंने मंकी मैन के तौर पर एक्ट किया। शुरुआत में मेरे परिवार वाले इस पेशे को लेकर सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में वो मान गए। शुरुआत में लोग मुझे जैकी बुलाते थे, लेकिन अब वो मुझे मंकी मैन के तौर पर जानते हैं। आज मैं पूरे भारत में मशहूर हूँ। वो लोग जो मुझे जानते भी नहीं, वो भी मेरा सम्मान करते हैं। जब भी मैं किसी कार्यक्रम में एक्ट करता हूँ और बच्चे शैतानी करते दिखते हैं, तो उनके माता पिता मुझे बुलाते हैं। शुरू शुरू में बच्चे मुझे देखकर डर जाते थे, लेकिन बाद में दोस्त बन गए। मेरा एक्ट उनके चेहरे पर मुस्कान ला देता है, लोग मेरी कला का सम्मान करते हैं। अगर मुझे गुजरात में परफॉर्म करना होता है तो मैं 5 से 6 हजार एक कार्यक्रम के लिए लेता हूँ। बाहर के कार्यक्रम के लिए मैं फीस दोगुनी कर देता हूँ। मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि भगवान के आशीर्वाद से मैं कभी ना कभी अपना ये सपना पूरा कर लूंगा।